कार्यक्रम के अग्रिक में माननीय कुलपति प्रोफेसर के सफर साहब से निवेदन है कि वह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। संपूर्ण चराचर जगत की आवश्यक की मां त्रिपुरा सुंदरी एवं राष्ट्र वंदनीयों के अमर और प्रिय मानगढ़ धाम की इस पावन धरा पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के परिसर में मैं श्री जगदीप धनखड़ जी माननीय उपराष्ट्रपति भारत का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम के अवसर पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा परिवार की ओर से बागड़ धरा पर आपके आगमन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, संभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य, आमंत्रित अतिथियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं मीडिया मित्रों, जिनकी सार्थक उपस्थिति से यह आयोजन अपने आप में एक ऐतिहासिक एवं भव्य बन रहा है, मैं अपनी ओर से तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हमें जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वे भारतीय प्रजातंत्र के प्रखर एवं दृढ़ विधायी स्तंभ वर्तमान में देश के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति हैं। आप शैक्षिक एवं सामाजिक सरोकार सेवा यात्रा में आज भी सकारात्मक और सार्थक रूप में सक्रिय है। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ जी का हम सब आत्मीय स्वागत करते हैं। संवाद भारतीय सनातन परंपरा का बहुत दीर्घ सूत्र है, जिसने सदियों से पूरे विश्व को ज्ञान की ज्योति प्रदान की है। एक आदर्श साम्राज्य में राज्य का शासक अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक से शहर में ही संवाद करता आया है। इसी की एक आधुनिक कड़ी रूप में माननीय उपराष्ट्रपति भारत का नई पीढ़ी और मार्गदर्शक शिक्षक समुदाय से सीधा संवाद का लाभ आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श के नए मानक तय करेगा। इस अनूठी और अपूर्व परंपरा का श्री नरेश करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति कृतज्ञता को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। माननीय महोदय विश्वविद्यालय क्षेत्र अधिकार बांसवाड़ा गुरुवरपुर एवं प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है, जिसमें वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग के तीन जनजाति बाहुल बांसवाड़ा गुरुवरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में संचालित 163 महाविद्यालयों में 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि व बजट से आज विश्वविद्यालय स्वयं के परिसर में कार्य संचालित कर रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय की अपनी पहचान उसकी मौलिक दृष्टि और युग और समाज की जो भी आकांक्षाओं की पूर्ति से ही हो सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 200 से अधिक शोधार्थी स्थानीय जनजाति समाज संस्कृति स्थानीय परंपराओं एवं अन्य विभिन्न विषयों के शीर्षकों पर गहन शोध कार्य कर रहे हैं। माननीय महोदय मैं संक्षिप्त में विश्वविद्यालय की अभी तक की उपलब्धियों चुनौतियों और निर्धारित किए गए लक्ष्यों से आपको अवश्य कराना चाहूंगा ताकि आपके बड़े अनुभव से हम सभी लाभान्वित हो सके। बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय की स्थापना के 6 वर्ष की यात्रा में विश्वविद्यालय ने जो कार्य किए उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन अनुशीलन हेतु वेद विद्यापीठ में योग ज्योतिष वैदिक साहित्य पाठ्यक्रम एवं विधिवत पीढ़ी हस्तांतरण हेतु नई पौध तैयार करने वैदिक गुरुकुल का संचालन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फ्रेमवर्क अनुसार चॉइस ग्रेड कैरियर सिस्टम CBCS के अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों को सत्र 23-24 से लागू कर दिया गया है। कैंपस में 16
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बीटेक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्तियों में 70 से अधिक शोधार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 17% शोधार्थियों की संख्या जनजाति वर्ग से है। विश्वविद्यालय की परीक्षा में पारदर्शिता और विद्यार्थी केंद्रित नवाचार पूरे राज्य में सराहे गए हैं। विश्वविद्यालय प्रवाह की हौसलों में यह उड़ान भी कही जा सकती है कि नियमित फैकल्टी और संसाधनों के अभाव के बावजूद विश्वविद्यालय ने राज्य स्तरीय परीक्षाओं का सफल और पारदर्शी आयोजन किया है, जिसमें वर्ष 2023 की सैट परीक्षा एवं बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा प्रमुख रही है। न्यूनतम संसाधनों के साथ 3 वार्षिक खेलों का सफल आयोजन विश्वविद्यालय की विशेष उपलब्धि रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 से पूरे सत्र का अकादमिक शोध और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार किया है और उसे भी उसी के अनुरूप क्रियान्वित भी किया जा रहा है, जिसमें सभी कॉलेजों को नेट मूल्यांकन की जागरूकता एवं पाठशाला शोधार्थियों के साथ कुलपति का संवाद, शोधार्थियों और मार्गदर्शकों के लिए शोध प्रगति पर कार्यशाला, राष्ट्रीय अभिलेख सम्मेलन, प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह, छात्रों के लिए अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना विश्वविद्यालय का सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। राजभवन और राज्य सरकार से नियमित संपर्क और सहयोग से आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही विश्वविद्यालय के दीर्घ समय से लंबित कार्य पूरे ही होंगे। तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण होते ही शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती का कार्य पूर्ण किया जाएगा। विश्वविद्यालय का नेट मूल्यांकन, यूजीसी के 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जनजाति संग्रहालय का विस्तारीकरण, कौशल और आजीविका से जुड़े लगभग 10 पाठ्यक्रमों को हम आगामी सत्र 24-25 से प्रारंभ करने का विश्वविद्यालय ने अपनी प्राथमिकता की सूची में रखा है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय में एक जनजातीय शोध की रिसर्च प्राइवेट टीम की स्थापना की जाए, जिससे इस संपूर्ण क्षेत्र के जनजाति जीवन, दर्शन, संस्कृति आदि पर गहन शोध कार्य किया जाए और उसे प्रकाशित कर जन सामान्य के समक्ष लाया जा सके। इसके लिए विश्वविद्यालय केंद्र और राज्य सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रभाग की यानी अभिलाषा है कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा योजना बनाई जा रही है। एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सांसद जी के विश्वविद्यालय प्रभाग में आगमन से हृदय की अतल गहराइयों से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धेय वेंकट साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के संवाद की इस कड़ी में हमें उद्बोधन एवं संवाद कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करें माननीय उपराष्ट्रपति। सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर केशव ठाकुर, वाइस चांसलर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान, अपने उद्बोधन में उन्होंने काफी उपलब्धियां बताई हैं, भविष्य की योजना का भी संकेत दिया है। श्री कनकमल कटारा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा from this area, distinguished members of the faculty, functionaries of the state government, distinguished guests, and my dear boys and girls, Tripura Sundari Mata ka darshan paakar abhibhoot hoon. I am energized, inspired, motivated to be ever in service of Bharat Maa.
भारत भारत इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी. भारत इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर. राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल. भारत टुडे इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी. कनाडा से हम आगे गए. जिन अंग्रेजों ने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे रह गए. फ्रांस हमारे पीछे रह गया. बाय टर्न ऑफ दिस डिकेड 2030 तक हम जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे. ये कभी कल्पना किसी ने की नहीं थी. आई वॉज मेंबर पार्लियामेंट इन 1989. आई वॉज यूनियन मिनिस्टर. सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से गिरवी रखने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया और दो बैंकों के यहां गिरवी रखा गया ताकि हमारी साख बच पाए. आज हम कहां आ गए अंदाजा लगाइए. तब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था. मैं सरकार का हिस्सा था. हमारी नींद उड़ी हुई थी. आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज ओवर 600 बिलियन यूएस डॉलर्स है. आज से 10 साल पहले भारत की गिनती दुनिया की उन अर्थव्यवस्था में की जाती थी जो दुर्बल थी. वी वर टेकन एज पार्ट ऑफ फ्रजाइल 5. दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में हम एक थे. वी आर नाउ इन बिग 5. इतना बड़ा हमने कैसे किया. जुलाई का महीना 2022, 24 जुलाई, राष्ट्रपति भवन, इतिहास रचित हुआ. जिसने कल्पना नहीं की वो आंखों से देख रहा था. आदिवासी महिला, उड़ीसा से आने वाली आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनी. वो भारत की राष्ट्रपति बनी. उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, हमने कभी कल्पना नहीं की कि क्या कभी ऐसा अच्छा वक्त भी आएगा. बताइए इससे अच्छा वक्त क्या होगा कि देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से आती हैं. संविधान निर्माताओं की आत्मा को इससे बड़ा सुकून मिल नहीं सकता था. यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है. फिर देखिए उसके बाद आगे क्या होता है. क्या कभी हमने सोचा था कि 3 दशक तक जो लगातार प्रयास करते रहे, आदि जनता को भागीदारी देने का प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली. 21 सितंबर को राज्यसभा ने लोकसभा के पारित होने के बाद वीमन रिजर्वेशन बिल पारित किया. नाउ इन लोकसभा एंड लेजिस्लेचर्स देयर विल बी 1/3 वीमन. मैं बांसवाड़ा की इस भूमि पर यह बताना चाहता हूं, यह रिजर्वेशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल है. मतलब इसमें यह भी निश्चित किया जाएगा कि एससी एसटी की महिलाओं को भी इसी नियम के तहत मिलेगा रिजर्वेशन.
this reservation is socially equitable. It cuts down inequities. इतना बड़ा बदलाव आया है. संविधान के निर्माता डॉक्टर आंबेडकर की क्या पूंजी थी, इतना बड़ा करिश्मा करने का, इतना बड़ा योग देने का आधार क्या था? एक ही आधार था, एजुकेशन. एजुकेशन से कोई बड़ा माध्यम नहीं है जो समाज में परिवर्तन ला सके, विषमताओं को खत्म कर सके, अन्याय पर कुठाराघात कर सके. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल मैकेनिज्म टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी इन सोसाइटी एंड टू रन डाउन इनइक्विटस कॉन्डक्ट ऑफ अदर्स. इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप शिक्षा पर पूरा जोर दीजिए, शिक्षा में पूरा लगन से शिक्षा कीजिए. नेवर हैव टेंशन, नेवर हैव स्ट्रेस, यू हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज. हमारे समय वो बात नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, घर में टॉयलेट नहीं था, नल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, गांव के अंदर 5वीं से ज्यादा स्कूल नहीं थी, पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था. आज के दिन गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहरों में हैं. आप भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए. और मुझे बड़ी खुशी है कि इस भाग में यही एक विश्वविद्यालय है. जब मैं यहां पर आया, मैंने देखा तो मैंने आपके वाइस चांसलर साहब से अनुरोध किया कि इस परिसर को देखते ही मुझे लगा एक बड़ी कमी है. उस कमी में न तो राज्य सरकार की आवश्यकता है, न केंद्र सरकार की है. हमारा परिसर, आवर कैंपस शुड इमीडिएटली अपीयर टू बी ग्रीन, लेवल हो जाए, मैसिव प्लांटेशन हो जाए. और आपको तो बहुत फायदा है, यो अनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेशन. आज के दिन आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, दे आर नॉट इन देयर पोजिशन बिकॉज ऑफ पेट्रोनेज, रिकमेंडेशन ऑफ समवन, नो, दे आर बिकॉज दे हैव टेकन द टफेस्ट कॉम्पिटिशन ऑन द प्लेनेट. उनका दिल पसीजेगा, वो आपकी मदद कराएंगे, CSR का पैसा भी उपलब्ध कराएंगे. मैं छात्र और छात्राओं से अनुरोध करूंगा, हर सप्ताह श्रमदान कीजिए. अगली बार जब यहां आऊं तो ग्राउंड बिल्कुल लेवल होना चाहिए, प्लांटेशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. और इसमें मेरे से कोई योगदान की आवश्यकता है तो वाइस चांसलर मेरे से बात कर सकते हैं. आज आप लोगों को जो चाहिए, जो आपको समानता का अधिकार देता है, वो आपको उपलब्ध करा दिया है. हमारे समय ऐसा नहीं था. कुछ समय पहले ही देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. सरकारी तंत्र में बिना भ्रष्टाचार को नमन किए हुए कोई कार्य नहीं होता था. सरकारी दफ्तरों में दलालों का बोलबाला था, डंका बज रहा था. पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विद लाइज एंड एजेंट्स, मिडलमैन, दे लीवरेज्ड डिसीजन मेकिंग. वो सब गायब हो गए. पावर कॉरिडोर्स सब इन सैनिटाइज्ड. आपको बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है. हमने देखी है बिजली का बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइन, रेलवे के टिकट के लिए लंबी लाइन, पानी का बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइन, पासपोर्ट लेने के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते थे. आज के दिन सर्विस डिलीवरी हैज बिकम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन. आपको सुविधाओं का लाभ सीधा मिलता है,
ये वो देश है जिसमें गत कुछ वर्षों में 40-50 करोड़ बैंक खाते इसलिए खोले गए ताकि पारदर्शिता आए। वी आर इन गवर्नेंस नाउ दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि हमारे यहां जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी सबको मिला लो, 4 से गुना कर दो तो भी अपने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन उनसे ज्यादा हैं। हमारी प्रतिभा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे हमें चुंबकीय शक्ति है। देश के अंदर मोबाइल का हाल देखिए, मैं उत्पादन की बात नहीं कर रहा, उत्पादन में तो हम शिखर पर हैं ही एक तरीके से, पर उसका उपयोग देखिए, पर कैपिटा इंटरनेट कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो उससे भी ज्यादा है। ये हमारी भारत का महारत था आज के दिन। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने 23 अगस्त 2023 को ये घोषणा की कि 23 अगस्त विल बी नेशनल स्पेस डे। क्यों? भारत वो पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना व्हीकल भेजा, चंद्रयान 3, द ओनली कंट्री टू डू इट, और इतिहास रचित कर दिया। वहां शिव शक्ति पॉइंट भी है, वहां तिरंगा भी है। ऑल दिस इज अचीवमेंट ऑफ आवर साइंटिस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसरो के चेयरमैन से मेरी कई बार चर्चा हुई है, हमारी प्रतिभा इस हद तक है कि यूएस, यूके, सिंगापुर और ऑल डेवलप्ड नेशंस के सैटेलाइट्स इसरो आसमान में डालता है। आवर इसरो इज डूइंग इट, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी भी चीज पर नजर उठाकर देख लो, समुद्र में देखोगे तो विक्रांत का नया स्वरूप भारत में बना और प्रधानमंत्री जी ने उसको समुद्र में लॉन्च किया। फ्रिगेट्स हमने लॉन्च की, आसमान पर देखें तो तेजस विमान भारत में बनता है, हेलीकॉप्टर भारत में बनता है, और जमीन पर तो हमने हकीकत देखी है। मेरा खास आह्वान रहेगा कि आज का विद्यार्थी एजुकेशन को एक ऐसा माध्यम बनाए, ऐसा सकारात्मक हथियार बनाए कि वो उस बदलाव का केंद्र बने जो बदलाव वो चाहता है, और मुझे कोई शंका नहीं है कि दिस विल हैपन। किसी भी संस्था के जीवन में 8-9 साल का कोई महत्व नहीं होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड। मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रह चुका हूँ, वहाँ संस्थाएं 250 साल पुरानी थी, 150 साल पुरानी थी, 100 साल पुरानी थी। योर चैलेंज, बट दिस चैलेंज इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप तब लोगे जब यहाँ के छात्र और छात्राएं टेक्नोलॉजी के उपयोग के अलावा भारत को देखेंगे। इस अवसर पर मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि बैचेस के अंदर, इन अ बैच ऑफ 50, यू बी माय गेस्ट एट इंडियन पार्लियामेंट। आप भारत की संसद को देखिए, पूरी व्यवस्था की जाएगी, आपको सिर्फ आना है और वापस आना है, रेस्ट वी विल लुक आफ्टर। आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव होगा, और इसकी शुरुआत मैं पहले कर चुका हूं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जा चुके हैं वहां पर, आईआईटी के बच्चे जा चुके हैं, आईआईएम के बच्चे जा चुके हैं, प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बच्चे जा चुके हैं, राजस्थान के अंदर जा चुके हैं, सैन्य स्कूल राजस्थान के जा चुके हैं, लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो बच्चियों की स्कूल है उसके जा चुके हैं। यह व्यवस्था जल्दी कीजिए।
मैं मेरे सचिवालय में एक अधिकारी को निश्चित करता हूं जो आपके वाइस चांसलर से संपर्क रखेगा ताकि इसमें आगे बढ़े। आज का जमाना ऐसा है कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू हैव टेक्नोलॉजी टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इट। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी चर्चा करते हैं तो लगता है दुनिया कितनी जल्दी बदल रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आप छात्रों इसलिए कह रहा हूं, पता लगाइए क्या है। मशीन लर्निंग, यू नो अबाउट इट। हम दुनिया के उन देशों में हैं जिनकी संख्या दो डिजिट में नहीं है जो 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मशीन लर्निंग, इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने आज कुछ छात्र छात्राओं के साथ भोजन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके विचार जाने, उनमें एक छात्रा ने कहा कि पहले मैंने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की, मुझे नौकरी दिखाई नहीं दी तो मैं योगा कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि संसद में भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमारे सबका एक दायित्व है कि हम हर किसी को एम्पावर करें। आप नजर उठाकर देखेंगे तो योगा टीचर्स की डिमांड ग्लोबल है, योगा टीचर्स की डिमांड कॉरपोरेट्स में है। योगा इज टेकन टू बी एंटीडोटल टू स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा भारत की विश्व को देन है। जब प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस की बात की तो कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। इट इज नाउ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल योगा डे। और पिछले साल देश में योगा डे पर मैं था और भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र परिषद में थे जहां दुनिया के अधिकांश देशों का प्रतिनिधित्व था। मेरा आपसे यह कहना है, आग्रह है, आज के दिन आपको काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। हमारा जमाना कुछ और था, अब बदल गया है। सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी लीजिए, खुद भी जानकार होइए और औरों को भी बताइए। मुद्रा स्कीम काया बदल रही है लोगों की, ज्यादा बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, वो नौकरी भी औरों को दे रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में जब यह कहा जाता है और भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, इंडियन इकोनॉमी इज राइजिंग फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल द ग्लोबल इकोनॉमीज, उस समय आप यू शुड बी फुल ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड अ वे आउट। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके वाइस चांसलर साहब ने यहां निमंत्रित किया है। मेरा ज्यादा मन इसलिए था कि यह संस्था बड़ा पेड़ नहीं बनी है, छोटा पेड़ है, ग्रो कर रहा है, इट हैज टू बी नर्चर्ड। पर सबसे ज्यादा नर्चरिंग होगी बाय द स्टूडेंट्स। मैं यहां से आपका फुट सोल्जर बनकर जा रहा हूं। मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में यदि अगर इस विश्वविद्यालय की कोई समस्या लाई जाएगी जिसका निदान चाहे राज्य सरकार के पास हो या केंद्र सरकार के पास हो, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अबाउट। हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है,
ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है. इट इज 24 कैरेट गोल्ड. कोई बनावटीपन नहीं है, कोई लाछन नहीं है. हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं. वी हैव टू अनरिच आवर सेल्व्स. और उसके लिए इस इलाके में एक ही विश्वविद्यालय होने का मतलब यह है कि यहां की फैकल्टी को 24 घंटे सोचना पड़ेगा कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया के किस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन यहां आकर भाषण दे सकता है, कौन यहां आकर हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकता है. मेरे ध्यान में लाइए, आई विल ब्रिंग इट अबाउट. मैं आपको ये कहकर जा रहा हूं, एक साल के भीतर दोबारा आऊंगा. कुछ बदलाव का केंद्र मैं बनूंगा, पर जो यहां के विद्यार्थियों को करना है, यहां की फैकल्टी को करना है कि इस परिसर को इतना बदल दो. और इस इलाके में नेचर हैज बीन बाउंटीफुल. आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको आते ही एक नया सुकून महसूस होगा कि यस, माय यूनिवर्सिटी हैज दैट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना. माय यूनिवर्सिटी इज टोटली ग्रीन. एंड उसके बाद मेरा भी प्रयास रहेगा, दिस यूनिवर्सिटी विच विल अपीयर टू बी ग्रीन विल बी पावर्ड बाय ग्रीन पावर. और उसमें जो करना होगा वो करेंगे. मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर दिन में आधा घंटा बिना अपने अध्यापक के जुड़ाव के, टेक्नोलॉजी को अपना गुरु मानते हुए अपनी प्रतिभा को चमकाने की कोशिश करें. नियमित रूप से आप आधे घंटे ये करेंगे, आप बड़ा बदलाव देखेंगे. बदलाव आप में भी आएगा, आप बदलाव के केंद्र भी बनेंगे. अंत में यह कहकर समाप्त करता हूं, वी हैव टू ऑलवेज कीप इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन फर्स्ट. भारत का हित सर्वोपरि है. भारतीयता में हमारा विश्वास अटूट है. वी आर प्राउड इंडियंस. वी टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स. हम हमारी जो प्रतिभा हमने हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, हम कुछ चुने हुए लोगों को जिनका काम है कि भारत की छवि को धूमिल करना, देश में हो या विदेश में हो, किसी भी कारण से उनको कुंठित करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है. बड़ी पीड़ा होती है जानकार व्यक्ति, सत्ता में रहा हुआ व्यक्ति, खुली आंख से सब समझने वाला क्या क्या बोल गया इकोनॉमी के बारे में, कि हमारी इकोनॉमी 5% से ऊपर जाएगी नहीं. जो असेसमेंट सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने दिया था, अर्थव्यवस्था के कंट्रोल में रखा था कुछ सालों तक, ये बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय 50%. ये हमारे भारत की उपलब्धि आज के दिन. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं मानकर चलता हूं कि आप में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात इसी साल हो जाएगी भारतीय संसद में. थैंक यू, धन्यवाद. आपके विचार और साथ ही हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को संसद में आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय कृतज्ञ है. एक छात्र जो भी संवाद सत्र में प्रश्न पूछना चाह रहा है शीघ्र से अपना प्रश्न पूछ ले. माननीय यहां पर आ जाओ, एक छात्र और एक छात्रा तत्काल शीघ्र से. फिर क्लास
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, मैं रोशनी रामो एमएससी केमिस्ट्री की विद्यार्थी हूँ और मैं यह जानना चाहती हूँ जनजातीय संस्कृति, हमारी जनजातीय संस्कृतियों को बनाए रखने में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये बच्चों, जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप दुनिया में नजर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वी हैव साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो भी आपको इसका नजर आएगा, अफ्रीका में भी आएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जिन देशों में ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक है और जिन देशों को एक शब्दावली से बताया जाता है ग्लोबल साउथ, उनके संगठन को पूरी आवाज दी है, इतनी बड़ी ताकत दी है कि उनकी आवाज अब सर्वोपरि होने जा रही है। दुनिया के मेजर जीडीपी कंपोनेंट के वो देश हैं। इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 ये हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है। उससे पहले जो भी जानकार लोग हैं, यूरोपियन यूनियन वॉज पार्ट ऑफ G20। यूरोपियन यूनियन में कौन से देश हैं जिन्होंने हमारे देशों पर राज किया, ग्लोबल साउथ देशों पर राज किया? प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन्हीं के समकक्ष उनको बैठा दिया। इसी संस्कृति को बचाने के लिए देश में जो 3 कानून में बदलाव हो रहा है उसका एक आधार ये भी है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उन्होंने कानून अपनी सहूलियत के लिए बनाए, नेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए, अपने तंत्र को बचाने के लिए बनाए। इस पर बहुत गहन चिंतन होने के बजाय के बाद 3 आए हैं प्रस्ताव, इसी सत्र में आ रहे हैं अगले सप्ताह। उसके अलावा भारत के संविधान में राज्यपाल को ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया के लिए बहुत व्यापक अधिकार मिले हैं, इतने व्यापक अधिकार मिले हैं जिसमें कहा गया है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एनेक्टमेंट और नोटिफिकेशन राज्यपाल पहल कर सकता है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन से वो लोग ऊपर आए जो ये टैग नहीं करें कि हमसे कोई सुपीरियर है। ये जो विमन रिजर्वेशन बिल हुआ है इसका जो हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका अर्थ बताता हूं मैं कि ट्राइबल वुमन भी वहां पर जाए। ये नहीं हो कि ट्राइबल वुमन या शेड्यूल कास्ट वुमन पीछे रह जाए तो रिजर्वेशन जो ट्राइब का है उसमें 1/3 वुमन का होगा तो बचेगा। फिर बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, हमने इनके साथ लंच किया है। हर एक विद्यार्थी से मैंने पूछा क्या बनना चाहोगे, मुझे तो खुद ऐसे लगा कि मुझे वापस विद्यार्थी बनना चाहिए ताकि मैं एक नया रास्ता चुन पाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, मैं धीरजमल मल्ला जी का वरना डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जानना चाहता हूं कि जनजाति समाज को देश की मुख्य भूमि में अधिक से अधिक कैसे सहभागी बना सकें और
जो राजकीय योजनाएं हैं वो धरातल पर सफल क्रियान्वित कैसे हो सके? देखिए, आई वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. वी हैड अ गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस. उस गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में झारखंड के गवर्नर भी आए. झारखंड के तत्कालीन गवर्नर का नाम था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. हम दोनों गवर्नर थे. मैंने उनसे चर्चा की. उनके दिल में जनजाति की पीड़ा इतनी जबरदस्त थी, पर जब उनके जीवन की कहानी हमने सुनी, किन चुनौतियों को उन्होंने फेस किया, किन परिस्थितियों से, किस गलियारे से निकलकर वो आगे आई, अंदाजा नहीं लगा सकते. फिर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल समाप्त हो गया. वो उसी जगह चली गई जहां से आई थी. उनको आश्चर्य हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ दल ने उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया. और कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे. आपका जो डेलीगेशन आया है इसको राष्ट्रपति भवन का भी दर्शन कराऊंगा. जो लोग आएंगे तब आप देखोगे कि कितना बड़ा बदलाव आया है. आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री जी आदिवासी महिला के सत्कार में खड़े रहते हैं. देखा नर बाप. आज भारत के प्रधानमंत्री कृषक पुत्र का भी उसी तरीके से सत्कार करते हैं. मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव आया है. दूसरा, सरकारी तंत्र में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बहुत पहले से है. संसद और विधायिका में भी है. दबी आवाज में यह कहना चाहता हूं कि जो लोग लाभ ले लेते हैं सरकारी तंत्र में, वो थोड़े से अपने जमीन से कट जाते हैं. वो समझते हैं कि हम अलग हो गए. मेरा प्रयास ये है और मैं साफ उनको कहता रहता हूं, जिनकी बदौलत आए हो उनका ध्यान न देने का अर्थ ये होगा कि मौका आने पर आपका कोई ध्यान नहीं देगा. तो होगा, गो फॉर हैव किलर इंस्टिंक्ट, गो फॉर हाई टारगेट एंड नो बैरियर. ओके. मैं माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें. बहुत बहुत धन्यवाद. राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे.